तो आज के इस वीडियो में हम जियो, एयरटेल, वीआई और बीएसएनएल के कॉलिंग प्लान्स के बारे में जानेंगे, जिनमें कि आपको अगर इंटरनेट की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कॉल कॉल के लिए यहाँ पर रिचार्ज चाहिए, तो उन सभी प्लान के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कौन कौन से कॉलिंग प्लान आप एक्टिवेट कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि आज की तारीख में सभी लोगों के पास दो सिम होती है। अब जहाँ तक इंटरनेट की बात है तो एक सिम में इंटरनेट का रिचार्ज किया जाता है और दूसरी सिम को सिर्फ इनकमिंग वगैरह के लिए चेकने के लिए वहाँ पर रिचार्ज किया जाता है, या फिर हमारे घर में अगर बड़े बुजुर्ग होते हैं तो उनको भी इंटरनेट से जरूरत नहीं होती है, तो वो भी सादा फोन वहाँ पर यूज करते हैं, तो उनके भी कॉलिंग रिचार्ज की जरूरत पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में इन चारों कंपनियों के बेस्ट कॉलिंग रिचार्ज के बारे में डिटेल से जानेंगे कि कौन कौन से प्लान यहाँ पे अवेलेबल है और आपके लिए कौन सा बेस्ट रहने वाला है। आप भी सभी कंपनियों के कॉलिंग रिचार्ज पैक के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले से वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले हम यहाँ से वी आई से। तो अगर वी आई की बात करें तो वी आई में आपको एक प्लान मिलता है 1799 रुपये का, जिसकी वैलिडिटी पूरे एक साल यानी कि 365 दिन होती है। इसमें आपको 24 GB इंटरनेट भी प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन ये एक बार प्रोवाइड किया जाता है, आप इसको खर्च कर लेंगे उसके बाद आपको दोबारा इंटरनेट नहीं मिलेगा, लेकिन आप पूरे एक साल तक यहाँ पे बिल्कुल फ्री में कॉलिंग कर सकते हैं और आपको यहाँ पे इनकमिंग भी मिलती रहेगी। तो 365 दिन के लिए आपका रिचार्ज मिलता है आपको 1799 रुपये में। अगर इससे छोटे प्लान की बात करें तो वीआई में आपको प्लान मिलता है 459 रुपये का, यानी 459 रुपये का। इसमें आपको 3 महीने यानी कि तकरीबन 84 दिन की आपको यहाँ पे वैलिडिटी मिलती है, 6 GB का इंटरनेट मिलता है और इसमें भी आप यहाँ पे कॉलिंग वगैरह कर सकते हैं लोकल, नेशनल, और आप इनकमिंग भी आपकी चालू रहती है पूरे 3 महीने तक। तो ये भी बेस्ट कॉलिंग प्लान है। इसके बाद में तीसरा प्लान इनका आता है यहाँ पे सबसे छोटा 155 रुपये का। अगर आपको कंप्रेज का प्लान चाहिए तो आपके लिए बेस्ट होने वाला है, क्योंकि इसमें 24 दिन की आपको वैलिडिटी मिलती है, 1 GB नेट मिलता है और इसमें आपको आउटगोइंग और इनकमिंग कॉलिंग की सुविधा यहाँ पे मिलती है। तो ये तीन बेस्ट प्लान है दोस्तों वीआई के लिए, अगर आप सिर्फ कॉलिंग का रिचार्ज करना चाहते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एयरटेल की। तो ये एयरटेल का भी यहाँ पे साल भर का जो प्लान आता है वो 1799 रुपये का आता है, जिसमें कि आपको 365 दिन की वैलिडिटी मिलती है, 24 GB आपको इसमें भी इंटरनेट मिलता है, लोकल एसटीडी वगैरह सब कुछ, रोमिंग वगैरह सब तरह की कॉलिंग आपको मिलती है, 3600 SMS वगैरह मिलते हैं और हेलो ट्यून वगैरह 24x7 सर्किल का भी आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन वगैरह मिल जाता है। अब इससे छोटे प्लान की बात करें तो एयरटेल में आपको एक प्लान मिलता है 455 रुपये का, जिसकी अवेलेबिलिटी होती है 84 दिन के लिए और इसमें आपको 6 GB नेट मिलता है और आपको यहाँ पे भी इनकमिंग और आउटगोइंग कॉलिंग की सुविधा यहाँ पे मिल जाती है। अब अगर आपको और सस्ते प्लान की जरूरत है, इसमें भी आपको 155 वाला प्लान मिल जाता है, जिसमें कि आपको 24 दिन की वैलिडिटी मिलती है, 24 दिन तक आप फोन कर सकते हैं और आपकी इनकमिंग भी चालू रहेगी और 1 GB का आपको एक बार इसमें डाटा भी प्रोवाइड किया जाता है और इसमें आपको यहाँ पे फ्री हेलो ट्यून और विंक म्यूजिक का सब्सक्रिप्शन भी मिल जाता है। तो ये हो गया दोस्तों एयरटेल की बात। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बीएसएनएल की। तो बीएसएनएल में अगर आप कॉलिंग का प्लान कराना चाहते हैं तो आपको सबसे बेस्ट प्लान यहाँ पे मिलता है 107 रुपये का, जिसमें आपको 3 GB डाटा भी मिलता है, 35 दिन की इसकी आपको वैलिडिटी रहती है, जो कि किसी भी अदर में आपको नहीं मिलती है। आपने वीआई एयरटेल में देखा कि 155 रुपये में आपको एक महीने की वैलिडिटी पूरी नहीं मिलती है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं 107 रुपये में आपको 35 दिन की वैलिडिटी मिलती है, 3 GB नेट मिलता है और इसमें आपकी इनकमिंग भी चालू रहती है और आप यहाँ पे कॉलिंग भी कर सकते हैं। सेकंड प्लान की बात करें तो 147 रुपीज़ का आपको मिलता है 30 दिन की वैलिडिटी के साथ, 10 GB का इसमें डाटा मिलता है और इसमें भी आपको अनलिमिटेड कॉलिंग वगैरह मिल जाती है। ओके दोस्तों बीएसएनएल के कॉलिंग प्लान। अब बात कर लेते हैं आप सबके फेवरेट जियो की, क्योंकि सबके पास जियो की सिम ज्यादा होती है। तो जियो में आपको यहाँ पे तीन प्लान मिलते हैं कॉलिंग के लिए। फर्स्ट प्लान आपको यहाँ पे मिलता है दोस्तों 1559 रुपये का, जो कि आपको 336 दिन के लिए मिलता है, 24 GB आपको इसमें इंटरनेट भी मिलता है और इसमें आपको जियो टीवी और जियो सिनेमा का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। सेकंड कॉलिंग प्लान की बात करें तो आपको 395 रुपये का मिलता है, जिसमें कि आपको 84 दिन की वैलिडिटी मिलती है और इसमें आपको 6 GB का डाटा भी मिलता है और इसमें भी आपको दोनों सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड किए जाते हैं। और अगर इससे सस्ते की बात करें तो आपको यहाँ पे 155 रुपये का प्लान मिलता है, जो कि अदर कंपनी भी आपको प्रोवाइड करती है। इसकी वैलिडिटी 28 दिन रहती है, 2 GB आपको नेट मिलता है और जियो टीवी और जियो सिनेमा का आपको सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। ये तो दोस्तों चारों कंपनियों के कॉलिंग प्लान। अब इसमें से आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी बेस्ट प्लान अपने लिए यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। तो आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।